हेलो गाइस, मिस्टर विनोद सर इज हियर वेलकमिंग टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट वर्ड के, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स के। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स मतलब जो अलग अलग प्रकार से काम करेंगे, दैट मीन्स अपोजिट काम करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स या फिर कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे ही दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स की हम बात करेंगे, देखते हैं कि वो कौन से कॉन्ट्रास्टिव वर्ड। वैसे तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिव वर्ड जो है ना हम इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन अब इस वीडियो में हम ओनली दो ही कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स की बात करेंगे जो कि हमने अभी तक बात नहीं की या फिर सीखा नहीं है, और बाकी सारे वर्ड्स के बारे में पता है, लेकिन ये दोनों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और जो कि हमारा प्रीपोजिशंस के तौर पर सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो बात करते हैं, देखते हैं कि वो कौन से रहेंगे। देखो, कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स, ठीक है, ये रहेगा आज का टॉपिक, कॉन्ट्रास्टिव वर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना है। वी आर गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल एज वेल। तो देखो, दो है हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, एक है इंस्पाइट ऑफ, राइट, एक है हमारा इंस्पाइट ऑफ, एंड अनदर वन इज अवर डिस्पाइट। ये है इंस्पाइट ऑफ और दूसरा है डिस्पाइट। अब इनका यूज कहाँ पे किया जाता है और किस प्रकार से ये दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट है, और इनके साथ साथ जो है ना हम और कौन से अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पाइट ऑफ की, और उसके बाद जो है ना हम डिस्पाइट के बारे में बात करेंगे। देखो, इंस्पाइट ऑफ ये जो वर्ड है, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है इंस्पाइट ऑफ, ठीक, तो इसके साथ हम और भी बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, मतलब भी जो है इसका यूज इन दिस वे हम कर सकते हैं तीन अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के। जैसे कि यहां पे सॉरी, ये जो है, ठीक है, ये इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग जो है हम बीइंग के साथ करेंगे। वन बाय वन सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। बीइंग के साथ हम उसका यूज करेंगे। सेकंड वन रहेगा हमारा, उसको हम हैविंग के साथ भी यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूज होता है। उसके साथ साथ जब डायरेक्ट वर्ब आता है, वी वन प्लस आई एन जी डायरेक्ट वर्ब जब आता है तो उसके साथ साथ इंस्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है। लेकिन ये जो है बीइंग, हैविंग और वी वन प्लस आई एन जी, दैट मीन्स डायरेक्ट वर्ब, इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन ऐसी रहेंगी कि बीइंग का जब भी हम यूज करेंगे उस समय में हमारी बात जो है वो किसी पर्सन के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, किसके बारे में होनी चाहिए? पर्सन के बारे में होनी चाहिए। अगर हम किसी इंसान के बारे में, पर्सन के बारे में बात करते हैं तो ही जो है हम किसका यूज करेंगे? इंस्पाइट ऑफ के साथ बीइंग का यूज करेंगे। सेकंड वन, हैविंग। हैविंग का यूज तब करेंगे व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट एनी थिंग्स। कोई चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस समय में हम थिंग्स का उस समय में हम हैविंग का यूज करेंगे। और ये जो है ये किसकी बात चलेगी? जब भी हम किसी डायरेक्ट वर्ब की बात करेंगे। कौन सा? डायरेक्ट वर्ब। डायरेक्ट वर्ब जब सेंटेंस में आएगा तो उस समय में हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे वी वन प्लस आई एन जी, लेकिन साथ में जो है ना हम इंस्पाइट ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। गॉट इट? तो देखते हैं वन बाय वन इन तीनों के एग्जांपल्स और समझते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करेंगे। सबसे पहला रहेगा हमारा सॉरी क्या दिया हुआ है? इंस्पाइट ऑफ प्लस बीइंग प्लस पर्सन, इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड टीचर, In spite of being a good teacher, वो पढ़ाते नहीं है। In spite of being a good teacher मतलब एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी वो पढ़ा नहीं सकते या फिर वो पढ़ाते नहीं। He does not teach. बड़ी मतलब एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी, एक अच्छे शिक्षक या फिर एक शिक्षक होने के बावजूद, तो हमने किसकी बात की यहाँ पे? पर्सन की बात की है। यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड टीचर ही डज नॉट टीच। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड एग्जांपल। देखो सेकंड एग्जांपल, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर ही डज नॉट ट्रीट, ठीक है, ही डज नॉट ट्रीट या फिर केयर, ही डज नॉट केयर, ठीक है, वो अच्छी तरह से केयर नहीं करते हैं। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर ही डज नॉट केयर ऑफ हिज पेशेंट, ठीक है, वो अपने पेशेंट की अच्छी तरह से केयर नहीं करते, इस प्रकार से। थर्ड वन एग्जांपल मैं फिर से दे देता हूं। देखो यहाँ पे
इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन एंड एजुकेटेड पर्सन, देखो एजुकेटेड पर्सन या फिर एजुकेटेड मैन बोलो चलेगा, ही इज अनेबल टू रीड। एक लिखा पढ़ा इंसान होने के बावजूद भी, जो है ही इज अनेबल टू रीड, वो पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से देखो हमने बीइंग के साथ एक इंसान की बात की, एक पर्सन की बात की है। इंस्पाइट ऑफ मतलब अच्छा इंसान होने के बावजूद भी, एक अच्छा टीचर होने के बावजूद भी वो पढ़ा नहीं सकते है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर ही डजंट केयर, एक अच्छा या फिर एक डॉक्टर होने के बावजूद भी ही डजंट केयर मतलब वो केयर नहीं करता है अपने पेशेंट्स की, ठीक है। उसके बाद इंस्पाइट ऑफ बीइंग एन एजुकेटेड मैन, एक लिखा पढ़ा एक एजुकेटेड इंसान होने के बावजूद भी ही इज अनेबल टू रीड, वो पढ़ने में सक्षम नहीं है मतलब पढ़ ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हमने कंसेप्ट नंबर फर्स्ट को अंडरस्टैंड किया है, बीइंग प्लस पर्सन के साथ इस प्रकार से हम इंस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे हैविंग प्लस थिंग्स की, मतलब ही जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे तो उस समय में जो है इंस्पाइट ऑफ प्लस हैविंग का यूज करेंगे, एंड देन जब भी हम डायरेक्ट वर्ब का यूज करते वो कैसे होता है आगे मैं बताता हूं। चलो बात करेंगे हैविंग प्लस थिंग्स, मतलब इंस्पाइट ऑफ हैविंग प्लस थिंग्स इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो हम चीजों की बात करेंगे, इंसान की बात नहीं करेंगे। जब भी हम पर्सन की बात करते हैं, किसी इंसान की बात करते हैं, उस समय में बीइंग का प्रयोग करना ही उचित होता है। अगर हम हैविंग या फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एंड ऐसा ध्यान देना है हमें कि जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन दैट टाइम वी शुड हैव टू यूज बीइंग दिस वर्ड, एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थिंग्स एनी मटेरियल एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उस समय में हैविंग का प्रयोग करना है, हैविंग का ही प्रयोग करना है। जैसे कि दिस इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद भी, ओके, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट शर्ट। पैसे होने के बावजूद भी, मेरे पास पैसे है लेकिन पैसे होने के बावजूद, अभी पैसे क्या है, एक लिविंग बींग्स का नाम है क्या, बिल्कुल ही नहीं, नॉन लिविंग है, मतलब कोई चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाय दैट शर्ट, मैं वो शर्ट नहीं खरीद रहा हूं, राइट। सो इंस्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद भी आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट शर्ट, वो शर्ट मैं नहीं खरीद रहा हूं। सेकंड वन, इंस्पाइट ऑफ हैविंग पेन, पेन होने के बावजूद भी दैट स्टूडेंट डज नॉट राइट एनीथिंग, या फिर डज नॉट राइट एनीथिंग। पेन होने के बावजूद भी उस स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, पेन होने के बावजूद भी। यहाँ पे भी हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं, मतलब ही नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, बड़े। चलो थर्ड एग्जाम्पल मैं फिर से एक ले लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए कार, एक कार होने के बावजूद भी ही यूज्ड टू गो बाय बस। खुद की कार होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए कार, खुद की कार होने के बावजूद भी ही यूज्ड टू गो बाय बस, वो बस से जाना आना करता है, मतलब बस से अप डाउन कर रहा है, उसकी खुद की कार है। मतलब यहाँ पे भी हमने किसकी बात की है, एक चीज की बात की है, एक नॉन लिविंग थिंग्स की बात की है। तो इसीलिए जो है ना हमने इस स्ट्रक्चर में किसका यूज किया है, वी यूज हैविंग, राइट। इस प्रकार से चीज की बात करते हैं तो हैविंग का यूज होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका जो यूज है डायरेक्ट वर्ब का कब यूज किया जाता है, बात करते हैं इस थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में। आ रही है हमारी V1 प्लस ING, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि कैसे इंग्लिश सीखने के बावजूद भी उसको पढ़ना नहीं आता या फिर उसको बोलना नहीं आता, तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा या फिर इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से, इंग्लिश सीखने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश
लर्निंग इंग्लिश ही कांट या फिर ही डज नॉट ही कांट स्पीक इंग्लिश, सीखने के बावजूद भी वो बोल नहीं सकता है इंग्लिश। इस प्रकार से यहाँ पे हमने यूज किया है वी वन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये है हमारा डायरेक्ट वर्ब, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कहलाते हैं या फिर इसको हम कहेंगे डायरेक्ट वर्ब। थर्ड वन सॉरी सेकंड वन एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ। वर्ब की बात होगी, पैसे कमाने के बावजूद भी, ऐसे मुझे कहना है, इन स्पाइट ऑफ अर्निंग मनी, पैसे कमाने के बावजूद भी, तो अर्न ये है हमारा मेन वर्ब और उसको हमने लिया है फोर्थ फॉर्म में। इन स्पाइट ऑफ अर्निंग मनी दे आर नॉट एबल, दे आर नॉट एबल टू परचेस ए हाउस, ठीक है, वो मकान नहीं खरीद सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ अर्निंग मनी दे आर नॉट एबल टू परचेस ए हाउस, मतलब भी पैसे कमाने के बावजूद भी वो मकान खरीद नहीं सकते, दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू परचेस ए हाउस, बट या फिर दे आर अनेबल लिखते तो भी चलेगा, या फिर हम दे आर नॉट एबल इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इन दिस वे गाइस हमने देखा है यहाँ पे तीनों कंसेप्ट समझी है कि किस प्रकार से इंस्पाइट ऑफ के साथ बीइंग का यूज किया जाता है, इंस्पाइट ऑफ के साथ हैविंग का यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ इंस्पाइट ऑफ के साथ जो है ना डायरेक्ट वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन तीनों की कंडीशन देखी है कि जब भी हम बीइंग का प्रयोग करेंगे इंसान की बात होनी चाहिए, जब भी हम हैविंग की बात करते हैं तो किसी चीज की बात होनी चाहिए, और जब भी हम मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म की यूज करते हैं तो डायरेक्ट वर्ब के तौर पर उसका यूज होना चाहिए, ना कि सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग उसका यूज होना चाहिए। एक मेन वर्ब के तौर पर नहीं, एक डायरेक्ट वर्ब के जैसे जो है ना उसका यूज होना चाहिए। बट इट अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगी हमारी डिस्पाइट। अब डिस्पाइट का यूज कैसे करते, बात करते अगले स्लाइड में। बात करेंगे हम डिस्पाइट की, कैसे बात करेंगे, मतलब इसी प्रकार से बात करेंगे नॉर्मल तरीके से जो सभी को पसंद आती है। तो डिस्पाइट देखो, इन स्पाइट के साथ हमने ऑफ का यूज किया था, लेकिन जब भी हम डिस्पाइट का यूज करेंगे ऑफ का बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। अगर हम ऑफ का यूज करते डिस्पाइट के साथ तो वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा या फिर वो सेंटेंस रहेगा इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग गाइस। इसलिए जो है ना डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करना है। हाँ, इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करेंगे, बट और देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है, लेकिन इसका यूज सेंटेंस में कैसे होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। वही हम एग्जांपल्स की बात करेंगे जब हम डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ की कंसेप्ट समझते। आपने देखा था हमने बीइंग यूज किया था, हैविंग यूज किया था, उसके साथ साथ मेन वर्ब जो कि फोर्थ फॉर्म में यूज किया था एज ए डायरेक्ट वर्ब। तो देखो यहाँ पे बीइंग का सबसे पहले यूज करेंगे, डिस्पाइट बीइंग ए स्पीकर। ये देखो यहाँ पे एक अलग एग्जांपल, डिस्पाइट बीइंग ए स्पीकर ही इज अनेबल टू स्पीच, टू डिलीवर स्पीच बोलो या फिर डायरेक्ट स्पीच बोलो, क्योंकि स्पीच मतलब ये भाषण देना होता है। तो कैसे हो गया सेंटेंस हमारा, डिस्पाइट बीइंग अ स्पीकर, एक स्पीकर होने के बावजूद भी इज अनेबल टू स्पीच, वो भाषण नहीं दे सकते। तो देखो बीइंग के साथ हमने किसका यूज किया, एक पर्सन की बात की है, एक पर्सन का यूज किया, पर्सन का जिक्र किया है, और वही होता है जब भी हम बीइंग का यूज करते हैं हमारी बात जो है किसके बारे में होनी चाहिए, एक इंसान के बारे में होनी चाहिए, बड़ी। उसके बाद हमने सेकंड लिया था हैविंग, तो डिस्पाइट हैविंग मोबाइल होने के बावजूद भी, जब भी हम हैविंग का प्रयोग करेंगे चीज का प्रयोग होना चाहिए, मतलब जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट एनी थिंग्स, ऑब्जेक्ट के बारे में, मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो एट दैट कंडीशन हमें हैविंग का यूज करना होता है। देखो यहाँ पे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं यूज करना, यहाँ पे भी हमने ऑफ का बिल्कुल ही यूज नहीं किया, बिल्कुल नहीं करना होता है, गलत हो जाता है। डिस्पाइट हैविंग मोबाइल, ठीक है, आई डोंट कॉल हिम, मैंने उसको फोन नहीं किया, मेरे पास मोबाइल था लेकिन मैंने उसको फोन नहीं किया, बट चलो हम बात करेंगे अब थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा था हमारा, वी वन प्लस आईएनजी वाला था। फिर से वही बात करेंगे, डिस्पाइट लर्निंग हिंदी, हिंदी सीखने के बावजूद भी वही
डोंट राइट ए सिंगल सेंटेंस, वी डोंट राइट ए सिंगल सेंटेंस डिस्पाइट लर्निंग हिंदी, हिंदी सीखने के बावजूद भी वी डोंट राइट ए सिंगल सेंटेंस, हम एक भी सेंटेंस नहीं लिख पाए या फिर नहीं लिख पाते हैं। और इस प्रकार से देखा है हमने कि किस प्रकार से जो है डिस्पाइट का यूज किया जाता है, लेकिन ऑफ के साथ डिस्पाइट यूज नहीं होता है। यहाँ पे हमने जो है ओनली डिस्पाइट लिखा और यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ लिखा है। तो इंस्पाइट का हम जब भी यूज करेंगे ऑफ का यूज करेंगे, और जब भी हम डिस्पाइट का यूज करेंगे ऑफ का यूज नहीं करेंगे। और ध्यान देना है कि जब भी हम इंस्पाइट ऑफ की बात करेंगे उस समय में जो बीइंग और हैविंग और डायरेक्ट वर्ब की हम बात करेंगे। बीइंग का यूज होता है तब जब किसी इंसान की बात करते हैं, हैविंग का यूज होता है तब जब हम किसी चीज की बात करते हैं, और जब भी ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज किया जाता है, दैट मीन्स वो जो फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब उस सेंटेंस के लिए काम करता है डायरेक्ट वर्ब का। तो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस वीडियो के माध्यम से जो है ना आपकी ये कंसेप्ट जो है ना पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, किस प्रकार से इंस्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है और किस प्रकार से डिस्पाइट का यूज किया जाता है, क्या क्या कंडीशंस रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, कब लिखना, कब कैसे लिखा जाता है जिसके कारण सही होगा, और कब कैसे लिखेंगे जिसके कारण सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये पूरी चीजें जो है ना मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ क्यूरीज होते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स में जो है ना हमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर जो भी डाउट्स है हम जल्दी से जल्दी जो है ना आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन जाने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका चैनल है, इसलिए आपके चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, आप सारे लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट टाइम आए हो तो भी सब्सक्राइब करना है, रेगुलर आते हो, देखते हो, अच्छी बात है, वीडियोस को लाइक करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं की हो तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे दोस्त सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी इस कंसेप्ट के बारे में कुछ नॉलेज मिले या फिर वो सीखने को मिले। उसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, इसमें कुछ डाउट्स है तो जल्दी कमेंट्स करो, जल्दी कमेंट्स करो, और कमेंट्स करना नहीं भूलना है। तो जल्दी ही मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।